हेलो एवरीवन दिस इज माइक महाजन वेलकम टू माय चैनल अगर आपको मैथ्स की चैप्टर वाइज स्टडी करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ली आती रहे अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल की प्ले में जाकर आप देख सकते हैं तो बात करते हैं एक्सरसाइज टू की तो टू में हमारे पास क्या बोला गया है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन आपके पास बोला गया है फर्स्ट फाइव क्वेश्चन में कि आपने क्या करना है इक्वेशन को सॉल्व करना है फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एट एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री एक्स इज इक्वल टू टू तो ये क्वेश्चन अगर हमारे पास देखो डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हम लिख लेते हैं वन अब क्या होता है मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में एक ही डिनोमिनेटर होता है तो हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लिखेंगे ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बताया था मैंने हमारे पास टर्म जो होती है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है तो वन चल जाएगा दूसरी साइड मल्टीप्लाई में और जो थ्री एक्स है ये चल जाएगा यहाँ है, मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे बन गया टू थ्री जो सिक्स एक्स यहाँ बन गया एट एक्स माइनस थ्री अब एक्स वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे हम तो सिक्स एक्स आ जाएगा इस साइड और ये जो माइनस थ्री है दूसरी साइड जाके बन जाएगा प्लस का थ्री हमारे पास तो एट एक्स माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा हमारे पास टू एक्स इक्वल टू थ्री और एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई थ्री अपॉन टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन एक्स अपॉन सेवन माइनस सिक्स एक्स इक्ल टू फिफ्टीन तो वैसे करेंगे हमारे पास हम ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन एक्स से वन मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये फिफ्टीन के साथ चला जाएगा सेवन माइनस सिक्स एक्स मल्टीप्लाई में अब करेंगे मल्टीप्लाई तो ये बन गया नाइन एक्स फिफ्टीन सेवन तक कितना होता है कि हमारे पास वन हंड्रेड फाइव माइनस फिफ्टीन सिक्स तक कितना होता है कि हमारे पास नाइन्टी साथ में एक्स आ गया अब क्या करेंगे एक्स टर्म को एक साथ कर लेंगे तो माइनस नाइन्टी यहाँ जाके बन जाएगा प्लस का नाइन्टी और वहाँ रह जाएगा हमारे पास वन हंड्रेड फाइव तो ये बन गया नाइन्टी प्लस नाइन्टी नाइन नाइन्टी नाइन एक्स टू वन हंड्रेड फाइव हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये नाइन्टी नाइन आ जाएगा डिनोमिनेटर में थ्री से कैंसिल हो जाएगा थ्री थ्रीजन नाइन थ्री थ्रीजन नाइन थ्री थ्री जन नाइन वन कह दी गई यानी थ्री फाइव जार फिफ्टीन तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास थर्टी फाइव अपॉन थर्टी थ्री सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड क्वेश्चन है जेड अपॉन जेड प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू फोर अपॉन नाइन तो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई से करेंगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग तो ये नाइन चल जाएगा दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में बन जाएगा नाइन जेड और ये जेड प्लस फिफ्टीन चल जाएगा फोर के साथ मल्टीप्लाई में तो ये चला गया और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि कभी भी आपके पास दो तो या तीन टर्म आप मल्टीप्लाई में लेके जाते हो तो आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है अब इसके बाद क्या हो जाएगा फोर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा बन जाएगा फोर जेड और फोर फिफ्टीन जा हो जाएगा हमारे पास सिक्सटी अब हम क्या करेंगे जेड वाली टर्म को एक साइड लिख लेंगे तो फोर जेड आ जाएगा यहाँ पे माइनस में यहाँ बचेगा हमारे पास सिक्सटी नाइन माइनस फोर कितना हो जाएगा हमारे पास फाइव जेड इज इक्वल टू सिक्सटी हमें जेड की वैल्यू निकालनी है तो फाइव आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में तो फाइव वन जो फाइव हो जाएगा यहाँ पर फाइव ट्वेल्व हो जाएगा सिक्सटी तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास ट्वेल्व सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन थ्री वाई प्लस फोर अपॉन टू माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस टू अपॉन फाइव करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो फाइव चल जाएगा दूसरी साइड मल्टीप्लाई में तो ये बन जाएगा इस तरह से और यहाँ पर ये टू माइनस सिक्स वाई चला जाएगा दूसरी साइड मल्टीप्लाई में तो ये इस ah. तरह बन जाएगा हमारे पास अब करेंगे मल्टीप्लाई तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइव थ्री जा कितना हो जाएगा फिफ्टीन hmm. प्लस फाइव फोर जा हो गया हमारे पास ट्वेंटी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे टू टू ज़ा फोर माइनस माइनस प्लस हो गया सिक्स टू ज बन गया ट्वेल्व अब वाई वाली टर्म को कर देंगे एक साइड तो ये प्लस का ट्वेल्व वाई यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का ट्वेल्व वाई और ये प्लस का ट्वेंटी यहाँ जाके हो जाएगा माइनस का ट्वेंटी तो फिफ्टी माइनस ट्वेल्व हो जाएगा हमारे पास थ्री माइनस फोर माइनस ट्वेंटी माइनस माइनस प्लस हो गया 24. आ गया माइनस ट्वेंटी फोर और वाई की वैल्यू आ गई माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन थ्री थ्री वन ज थ्री थ्री एट ज़ा ट्वेंटी फोर तो वाई की वैल्यू कितनी वैल्य। आ गई हमारे पास माइनस एट सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेवन वाई प्लस फोर अपॉन वाई प्लस टू इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री चला जाएगा दूसरी साइड मल्टीप्लाई में और यहाँ पर माइनस फोर के साथ चला जाएगा वाई प्लस टू क्रॉस मल्टीप्लाई में अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सेवन थ्रीजा बन गया ट्वेंटी वन एंड फोर थ्रीजा बन गया हमारे पास ट्वेल्व माइनस फोर अंदर मल्टीप्लाई होगा बन जाएगा माइनस फोर वाई माइनस फोर मल्टीप्लाई टू बन जाएगा माइनस एट अब वाई वाली टर्म को हम एक साइड कर देंगे तो ये माइनस फोर वाई यहाँ जाके प्लस का फोर वाई बन जाएगा और ये माइनस प्लस का ट्वेल्व यहाँ जाके बन जाएगा माइनस का ट्वेल्व ट्वेंटी वन वाई प्लस फोर वाई कितना बन जाएगा ट्वेंटी फाइव वाई माइनस माइनस प्लस हो गया तो ट्वेल्व प्लस एट हो गया ट्वेंटी साइन रहेगा बड़ी टर्म का y की वैल्यू निकालनी हमने तो आ गया ट्वेंटी अपॉन ट्वेंटी फाइव तो फाइव फोर जो ट्वेंटी एंड फाइव फाइव जो ट्वेंटी फाइव तो y की वैल्यू आ गई माइनस फोर अपॉन फाइव तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन करेंगे अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं टिल देन थैंक यू